हमारे लिए मछली तैयार होने लगी है। देसी घी पुदीने की चटनी, क्या बात। जितनी तारीफ करूं मैं कम है, बड़े बड़े देसी खाने खाए हैं लेकिन इसका मैं कहता हूं मुकाबले कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राव उमर। राव हाजिर है आज पहलवानों के शहर के एक ऐसे होटल में जो ना तो 5 स्टार है, ना ही 7 स्टार, ना ही 3 स्टार, बल्कि एक छोटा सा ढाबा टाइप होटल है जो कई सालों से सिर्फ देसी फूड ही दे रहा है और वो भी जायकों से भरपूर। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ मिलेगी जो आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। आपने बड़ी बड़ी किस्म के नान रोटियाँ खाई होंगी लेकिन आपने कभी देसी घी और चटनी से चोपड़ी हुई रोटी नहीं खाई होगी जो सिर्फ आपको यहाँ निराला होटल गुजरांवाला में ही मिलेगी। ये क्या कीमा और मगज मिक्स है, क्या बात है। मछली हमारी किधर तैयार होगी, इधर ही ठीक है। अभी तो देखने में बड़ा मजा आ रहा है, खा के तो मुझे लगता है पूरी चस्सा आ जाएगी। हमारे लिए मछली तैयार होने लगी है। सुभान अल्लाह जी, ये तो मछली को देख के ही माशाल्लाह मजा आ गया। तो ये है इनका देसी घी और ये है इनकी पुदीने की चटनी जिससे तैयार होती है चोपड़ी हुई रोटी। हर दिल लजीज मछली, मटन मछली। ये इनकी तारीफें ऐसी नहीं बनी हुई, वाकई में टेस्ट से भरपूर है। मटन मछली ट्राई करते हैं। क्या बात है। ये जो इनकी ग्रेवी है ना, इसका अपना ही मजा, देसी घी से इन्होंने इसको तड़का लगाया हुआ, मजा आ गया। जितना निराला होटल के खाने के बारे में सुना था उससे ज़्यादा ही इसको पाया है। इस कदर टेस्ट, ये तो सिर्फ आप लोगों ने देखा है, मैंने खाया है और मैं कहता हूँ इस कदर टेस्ट, जितनी तारीफ करूँ मैं कम है, बड़े बड़े देसी खाने खाए हैं लेकिन इसका मैं कहता हूँ मुकाबले कोई नहीं। हमने लगवाया था यहाँ पर कीमा और मगज मिक्स और उसका तड़का लगवाया था देसी घी का डबल, सिंगल भी नहीं डबल, और साथ में लगवाई थी मटन मछली। मटन मछली का भी तड़का डबल था और उसका टेस्ट आखिर था, कोई उसको बीट ही नहीं कर सकता। ये गुजरांवाला का गोंदा वाला अड्डा है जहाँ पर पहले कभी टांगे चला करते थे लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर है और अब क्योंकि रक्शे, चांदगाड़ियाँ, बसें, ये सारा कुछ आ गया लोकल ट्रैवलिंग के लिए, तो टांगों का कंसेप्ट तो ख़त्म हो गया है लेकिन उस चीज़ को बरकरार रखते हुए यहाँ पर आपको टांगे का स्टैचू भी मिलेगा। टांगे के साथ साथ आपको यहाँ पर जहाज़ वाली सवारी भी मिलेंगी। निराला होटल आपको मिलेगा मेन गोंदा वाला अड्डा से बिल्कुल थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो ये आपको 2 बिल्डिंग इनकी मिलेंगी। अगर आप गुजरांवाला आए हैं और आपने अभी तक निराला होटल का फूड टेस्ट नहीं किया तो आप देसी के टेस्ट से बहुत दूर हैं। तो गुजरांवाला का निराला होटल जब भी आए आप गुजरांवाला उसको लाजमी टेस्ट, क्योंकि ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर गुजरांवाला में देसी फूड में और ऑप्शन भी है तो कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम मज़े की वीडियो आप तक पहुँच सकें। राव को इजाज़त दें, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।